आज हम बनाएंगे चॉकलेट केक। बिल्कुल इसे हम अलग तरीके से बनाएंगे। तो आज हम इसमें जो करेंगे आइसिंग, वो बिल्कुल भी रेगुलर आइसिंग नहीं करेंगे, और इसमें अब हम फील करेंगे चॉकलेट मूस, जो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही डिलीशियस यमी लगता है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी। तो ये हमारा कॉफ़ी मिक्सचर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसे अब हमें केक बैटर में यूज़ करना है, तो इसे अब हम साइड कर लेंगे और बनाते हैं हम केक बैटर। तो केक बैटर बनाने से पहले हम मोल्ड को, हमारे केक मोल्ड को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ लिया है मैंने 6 इंच का केक मोल्ड, इसे अब हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसे मैंने लाइन अप किया है बटर पेपर से। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी डस्ट कर सकते हो, उससे भी आपका केक जो है वो आसानी से डीमोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ हमारा केक मोल्ड जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। तो यहाँ लिया है मैंने एक मिक्सिंग बाउल, और बाउल में हम डाल देंगे 1/2 कप ऑयल। तो आप इसमें कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 कप दही। तो यहाँ मैंने होममेड दही, फ्रेश दही का यूज़ किया है, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप शुगर, पाउडर शुगर। जो नॉर्मल शुगर है उसे मैंने ग्राइंड करके पाउडर में बना लिया था, और अब हम इसे अच्छे से 30-40 सेकेंड्स के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे और ये थोड़ा सा क्रीमी हो जाए, चीनी जो है वो अच्छे से घुल जाए। तो आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो चुका है, ये टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो गया है। और अब इसमें हम रखेंगे छन्नी। छन्नी में हम डाल देंगे 1.5 कप मैदा, ऑल पर्पज़ फ्लार, और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1/3 कप कोको पाउडर, और अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 पिंच सॉल्ट, और इन सबको हम अच्छे से छान लेंगे। और अब हम इसे स्पैचुला की हेल्प से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप ध्यान रखें, इसे आपको विग्रसली मिक्स नहीं करना है, बस हल्के हाथों से इसे आपको मिक्स करना है। तो अब इसमें हम डाल देंगे कॉफ़ी मिक्सचर जो कि हमने प्रिपेयर किया था, और इसे अब हम हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। तो दूध जो है मैंने रूम टेम्परेचर वाला यूज़ किया है, ये बॉइल्ड दूध है। तो थोड़ा थोड़ा दूध इसमें हम डाल के और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ध्यान रखें, इसे आपको विगरसली मिक्स नहीं करना है, बस इसको हमें कट और फोल्ड मेथड करते हुए इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो यहाँ टोटल जो है मैंने 1 कप दूध का यूज़ किया है, और आप देख सकते हो हमारा रिबन कंसिस्टेंसी में हमारा केक बैटर जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, और अब हम केक बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे केक मोल्ड में, जो कि हमने बटर पेपर से लाइन अप करके रखा था। इसमें हम डाल देंगे केक बैटर को, और अब हम इसे 2 से 3 बार अच्छे से टैप करेंगे, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल हो तो वो निकल जाए। आज का जो चॉकलेट केक है वो मैं कढ़ाई में बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने कढ़ाई को जो है वो 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया था, और आप इसे ओवन में भी बना सकते हो।
तो हम कढ़ाई को ओपन करेंगे और इसे हम केक मोल्ड को कढ़ाई में रख देंगे। गैस को रख देंगे हम लो फ्लेम पे और इसे अब हम लीड से कवर करके 35 टू 40 मिनट्स तक बेक होने के लिए रख देंगे। तो आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हो 35 टू 40 मिनट्स के लिए 180 डिग्री पे। तो यहाँ हमारा केक जो है वो बेक हो चुका है, इसे मुझे 35 मिनट्स लग गए थे। तो अब हम केक को चेक करते हैं, इसमें हम इंसर्ट करेंगे नाइफ। तो नाइफ जो है वो बिल्कुल ही क्लीन निकल रही है। तो यहाँ हमारा केक जो है वो बिल्कुल रेडी है। हम गैस को ऑफ कर लेंगे और केक को हम निकाल लेंगे। तो केक को मैंने यहाँ कूलिंग रैक पे रख दिया है और अब इसे हम कॉटन के क्लोथ से कवर करके इसे हम बिल्कुल भी ठंडा कर लेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। उसके बाद इसमें हम आइसिंग करेंगे। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है हम एक सॉस बना लेंगे, चॉकलेट सॉस। हमें इसे फिलिंग में यूज़ करना है। तो यहाँ रखा है मैंने सॉस पैन, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 टीस्पून कॉफ़ी। तो यहाँ मैंने इंस्टेंट कॉफ़ी का यूज़ किया है और अब इसमें हम डालेंगे 1 कप दूध। तो ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर वाला दूध है, इसमें हम डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो यहाँ मैंने टोटल 1.5 कप दूध का यूज़ किया है और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 1/3 कप फ्रेश क्रीम। तो यहाँ मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम यूज़ की है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 100 ग्राम डार्क कंपाउंड चॉकलेट जो कि मैंने चॉप कर ली थी, इसमें हम डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को हमें कुक करना है। तो हमने सॉस पैन जो है वो गैस पे रख दिया है। अब लो फ्लेम पे हम इसे 4 से 5 मिनट तक, जब तक कि ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए, परफेक्ट कंसिस्टेंसी में आ जाए, तब तक हम कुक करेंगे। तो ध्यान रखें इसे आपको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है, इसे बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। तो 4 से 5 मिनट के बाद आप देखोगे ये मिक्सचर जो है वो बिल्कुल थिक हो चुका है। और अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ हमारा केक जो है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो चुका है और अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। तो पहले हम नाइफ की हेल्प से इसके साइड्स को इसको मोल्ड से अलग कर लेंगे और अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। तो बहुत ही आसानी से ये डीमोल्ड हो जाता है क्योंकि इसे हमने अच्छे से ग्रीस किया था। बटर पेपर को निकाल देंगे हम। तो इसके साथ ही हमारा चॉकलेट केक जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो चॉकलेट स्पॉन्ज कितना सॉफ्ट और इसका टेक्सचर भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम इसे इवनली कट कर लेंगे। तो पहले मैं इसे थोड़ा सा टॉप से कट कर लूँगी ताकि ये थोड़ा सा इवन हो जाए। और अब जो है हमें लेयर्स में केक को नहीं कट करना है, हमें इसमें थोड़ा सा डीप कट लगाना है ताकि इसमें हम अच्छे से फिलिंग कर पाए। तो यहाँ मैंने प्लेट का यूज़ किया है, आप कोई भी रिंग का यूज़ कर सकते हो। और इसे अब हम चाकू की हेल्प से बाउंड्री बना लेंगे। तो देखिए मैं इसे डीप कट लगा रही हूँ ताकि हमारा केक जो है वो अच्छे से कट हो सके। तो चाकू को हम अच्छे से डीप कट लगाते हुए इसके जो ऊपर का पार्ट है वो निकाल लेंगे।
तो ये ऊपर वाला पार्ट हम साइड कर लेंगे। तो इसे बिल्कुल भी फेंकिएगा मत, इसे हमें बाद में यूज़ करना है, तो इसे अब हम साइड कर रख देंगे। और जितना भी हमने केक को निकाला है क्रम्बल्स कर लेंगे और उसे हम बाद में यूज़ करने वाले, तो बिल्कुल भी आप उसे फेंकिएगा मत। तो अब हम स्पून की हेल्प से इसे थोड़ा सा फिनिश कर लेंगे। तो यहाँ मैंने एक होल रेडी कर लिया है, आप देख सकते हो केक में कैसे होल रेडी हुआ है। तो इसमें हमें फिलिंग करनी है, तो केक को हम केक बोर्ड पे ट्रांसफर कर लेंगे। केक को मॉइस्ट करने के लिए यहाँ हम बनाएंगे शुगर सिरप। तो यहाँ लिया है मैंने एक बाउल, इसमें हम डाल देंगे 2 टेबलस्पून शुगर पाउडर, तो ये नॉर्मल वाली चीनी है, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी, और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चीनी जो है वो अच्छे से घुल गई है, तो यहाँ हमारा शुगर सिरप जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम हमारे केक को मॉइस्ट करेंगे ये शुगर सिरप से। और अब हमने जो चॉकलेट मूस बनाया था वो हम डाल देंगे इसमें। चॉकलेट केक को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही यम्मी लगता है। और अब हम इसे स्प्रेड करेंगे अच्छे से स्पून की हेल्प से। तो अब हम केक को कवर करेंगे, जो इसकी हमने टॉपिंग निकाली थी उससे अब हम कवर कर लेंगे केक को। तो उसको आपको थोड़ा सा इक्वली कट कर लेना है। और इसे हल्के हाथों से थोड़ा सा प्रेस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा चिपक जाए। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। हमारे व्हिपिंग क्रीम को बीट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने लिया एक मिक्सिंग बाउल, इसमें हम डाल देंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। तो यहाँ मैंने चिल्ड व्हिपिंग क्रीम का यूज़ किया है, तो यहाँ मैंने लिक्विड व्हिपिंग क्रीम ली है। और इसे अब हम बीट करेंगे। तो आप यहाँ हैंड विक्स का भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम इसे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करेंगे। तो पहले इसे हमें 2 मिनट के लिए स्पीड पे बीट करना है। 2 मिनट बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून कोको पाउडर। और अब हम इसे हाई स्पीड पे अच्छे से बीट कर लेंगे स्टीप पिक आने तक। तो हमारी क्रीम जो है वो अच्छे से बीट हो चुके हैं। अगर आप इसे उल्टा करोगे ये तो बिल्कुल भी ये गिरेगी नहीं, इतना होने तक हमें इसे बीट कर लेना है। जब तक हम इसे यूज़ नहीं करते तब तक हम इसमें इसको फ्रीज में रख देंगे। तो यहाँ केक को मैंने सेव कर लिया है, आप देख सकते हो ये बिल्कुल भी स्टेबल हो चुका है अभी। और अब हम इसे व्हिपिंग क्रीम से कवर कर लेंगे। केक के टॉप पोर्शन को जो है हमें शुगर सिरप से मॉइस्ट करना है। और अब हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो चॉकलेट क्रीम लगाते हुए हम केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो नाइफ की हेल्प से हम इसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे। तो केक को हमें अच्छे से कवर करना है।
और अब हम स्क्रैपर की हेल्प से इसे साइड से फिनिश कर लेंगे अच्छे से। और केक के टॉप पोर्शन को भी नाइफ से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। तो हमारी केक की फाइनल फिनिशिंग हो चुकी है। और अब हम केक बोर्ड को क्लीन कर लेंगे। और अब हम इसे हाफ एन आवर तक अच्छे से केक को सेट होने के लिए फ्रीज में रख दें। तो उसके बाद हम इसे फाइनल डेकोरेट करेंगे। तो केक को मैंने फ्रीज से निकाल दिया, इसे मैंने आधे घंटे के लिए सेट कर लिया था। और अब मैंने जो व्हिपिंग क्रीम जो बच गई थी उसे मैंने पाइपिंग बैग में फिल कर लिया और आगे मैंने 1 mm नोजल लगा लिया है। आप केक को डेकोरेट अपने चॉइस से कर सकते हो, अपने पसंद से कर सकते हो। तो यहाँ हम व्हिपिंग क्रीम से रोज बना लेंगे। केक जो है वो हमने कटिंग में निकाला था, उसे मैंने क्रम्बल्स कर लिया था अपने, उसे अब हम केक को अच्छे से कवर कर लेंगे। तो यहाँ टॉप में हम केक के क्रम्बल्स डाल देंगे, थोड़े से केक को अच्छे से क्रम्बल से कवर कर लेंगे। और साइड से भी हमें अच्छे से केक को कवर करना है क्रम्बल से। और इसे अब हम टॉपिंग करेंगे कैडबरी शॉर्ट्स के साथ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप अपने चॉइस से आप केक को डेकोरेट कर सकते हो। और अब हम इसे आधे एक घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो इसके साथ ही रेडी है हमारा ये चॉकलेटी मूस चॉकलेट केक। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है, जो हमने इसमें अंदर फिलिंग की है चॉकलेट मूस की, इससे बहुत ही ये चॉकलेटी फ्लेवर देता है। तो अब हम इसे कट करेंगे और आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट हमारा केक बन के रेडी हुआ है। ये बहुत ही डिलीशियस लगता है और हमने जो इसमें चॉकलेट वाली फीलिंग की है इससे तो ये बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। आप इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।